सिहारा में व्यापारी नेता अरुण कुमार वर्मा के प्रतिष्ठान पर आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी ऑफिसर डीके पाठक व डिप्टी कमिश्नर जीएसटी विभाग जयेश कुमार की अगुवाई में मीटिंग की गई, जिसमें दोनों अधिकारियों ने व्यापारी वर्ग को जीएसटी के लाभ बताते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराने की अपील की। इस मौके पर बोलते हुए अरुण कुमार वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, प्रदेश चेयरमैन एवं जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्वर्णकांड सभासद एसोसिएशन व प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में जो व्यापारी अपनी जान गंवा चुके हैं उनको सरकार 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद करे और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे, क्योंकि उनके यहाँ कमाने वाले कोई भी नहीं रहा। ये सुविधा सभी व्यापारी, चाहे वो रजिस्टर्ड हों या ना हो, सबको मिलनी चाहिए। इसके अलावा अरुण वर्मा ने डिप्टी कमिश्नर श्री जयेश से कहा कि सरकार को सिंगल पॉइंट टैक्स करना चाहिए और 5% से अधिक टैक्स ना हो। उन्होंने व्यापारियों से भी जीएसटी विभाग और सरकार का सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर मुकेश रस्तोगी, मनोज भटनागर, मुकेश माहेश्वरी, अमित वर्मा, शरीफ अहमद, मोहित वर्मा, शोभित वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, रामदास सूर्यवंशी, अक्षय वर्मा, किशनलाल अरोड़ा, आशु रस्तोगी आदि बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। 24 न्यूज इंडिया वेब पोर्टल चैनल के लिए सिहारा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। मेरा देवेंद्र कुमार पाठक, वाणिज्य अधिकारी खंडे इकामपुर। हम लोगों का उद्देश्य है कि यहाँ पर व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर्ड हो और मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुपालन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड अपंजीकृत व्यापारियों को अपने आप पंजीकृत की सीमा में लाएं। सर, क्या नाम आपका? मैं जयेश कुमार सिंह, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर। सर, आज जो सिहारा व्यापारियों के बीच में आना हुआ है, किस उद्देश्य से आना हुआ है? ये शासन की तरफ से पंजीयन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है नवंबर से वर्षांत तक, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है, पंजीयन जागरूकता अभियान। तो पंजीयन विभाग में पंजीयन लेने से व्यापारी को क्या क्या फायदे होने हैं, वो किस तरीके से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेगा और किस तरीके से उसको किसी भी प्रांत से व्यापार करने पे या वस्तु खरीदने पे उसको ITC का क्लेम मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसके फायदे उनको बताने के लिए ये पंजीयन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य भी है कि 25 लाख व्यापारी हमारे पूरे प्रदेश में पंजीकृत होने चाहिए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, मेरा मानना है कि सरकार की जो नीति है ये अच्छी नीति नहीं है। ज़बरदस्ती अननेसेसरी व्यापारियों को परेशान करने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने 40 लाख से जो कम लोग हैं, जिनकी लिमिट 40 लाख से नीचे है, ये लोग सरकारी अधिकारी लोग जो हैं ज़बरदस्ती उन्हें परेशान करके उनसे लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। तो मैं इसका विरोध करता हूँ। इन्हें ऐसा कोई हक नहीं है ये ज़बरदस्ती उन लोगों पर थोपे जो लोग 40 लाख की लिमिट से नीचे आते हैं। साथ ही मैं भारत उत्तर प्रदेश शासन से कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे किसी भी दुर्घटना हुआ, व्यापारियों के साथ दुर्घटना हुआ है, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, उनको कम से कम 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद जरूर मिलनी चाहिए, जिससे कि उनका जो परिवार है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां पर उनके यहां कोई कमाने वाला नहीं है, तो उन बच्चों को कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। साथ ही उनके परिवार में एक बच्चे को या उसकी बीवी को कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, जिससे कि वो अपना आर्थिक जो आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं वो पालन पोषण ठीक ढंग से अपने परिवार का कर सकें।